मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग सब सुरक्षित है, सेफ है। दोस्तों आज का जो वीडियो है, मैं बाद में बात करता हूं इसके बारे में। मैं पिछला जो वीडियो मतलब आपको अपलोड किया था आपके लिए, वो था कि मतलब सफल सुरक्षाकर्मी का क्या राज है, इसके ऊपर मतलब मैं आपको जानकारी दिया था। तो दोस्तों आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए इसको, और उसका जो लिंक है मैंने आई बटन में डाला है, उस लिंक से आप मतलब कहना उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है वो भी खास है, क्यों मतलब कहना सुरक्षाकर्मी असफल होते हैं अपने काम पे, इसके ऊपर मैं आज जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ कि क्यों मतलब सुरक्षाकर्मी असफल होते हैं अपने काम पे, आज उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जो इसका जो पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग, इन द सेंस मतलब कहना वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है, मीन्स उसको ट्रेनिंग नहीं मिला। तो अगर ट्रेनिंग अगर नहीं मिलेगा, कोई भी काम अगर करते टाइम अगर उसको अगर उस काम के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो फिर ज़रूर मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो काम भी नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे मतलब क्या है वो मतलब कहना उसका जो मन है वो उठता जाएगा उस काम के ऊपर से, और आखिर में जाके मतलब क्या ना वो असफल हो जाता है। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग मीन्स मतलब जैसे अगर उनको ट्रेनिंग नहीं है तो फिर असफल हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है मतलब जो भी कोई भी अगर होता है जो अनविलिंगनेस मतलब क्या ना उनको इच्छा नहीं है काम करने का, तो सिक्योरिटी जॉब मतलब क्या ना उनको मतलब पसंद नहीं हो रहा है। वो तो आ तो गया, भर्ती भी हो गया, सिक्योरिटी जॉब करने के लिए भी आया, लेकिन उनको मतलब इच्छा नहीं हो रहा है इस काम को करने के लिए। तो जो अनविलिंगनेस है इसका जो मतलब क्या ना इसको कोई भी मतलब इसको विलिंगनेस में बदल नहीं सकता, जब तक मतलब उसका खुद मन में मतलब अगर नहीं आता है जो ना मेरे को मतलब काम करना है, जो भी काम है मेरे को करना है। तो इसका भी एक रीज़न है कि मतलब क्या ना जो भी सुरक्षाकर्मी मतलब आ जाते हैं काम के लिए, सुरक्षा के काम के लिए, वो फिर मतलब सफल नहीं हो पाता है, मीन्स असफल हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मैच्योरिटी, मीन्स बड़प्पन। तो बड़प्पन एक ये बात है कि जिसके पास मतलब मैच्योरिटी होता है, मीन्स बड़प्पन होता है, उनके मतलब कहना है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप मतलब कहना है वो बियर करते हैं, अपने आप मतलब कहना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने आप मतलब कहना सब कुछ सीखने लग जाते हैं। तो क्योंकि उनके पीछे कुछ मतलब जिम्मेदारियाँ हैं और मतलब उस जिम्मेदारी को कैरी करना चाहता है, तो इसीलिए जो मैच्योरिटी है, बड़प्पन है, उसको मतलब कहना जरूर मतलब सफल बनाते हैं जिसके पास वो मैच्योरिटी है। मतलब सुरक्षाकर्मी का मैच्योरिटी होना बहुत ही जरूरी है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, किसी के पास मतलब कहना धैर्य, मतलब धैर्य जो है, पेशेंस जो है, वो भी मतलब कहना बहुत मतलब एक अच्छा रोल मतलब है धैर्य का भी इसको सफल मतलब सफल होने में। अगर किसी के पास धैर्य नहीं है, मीन्स पेशेंस नहीं है, जैसे सुरक्षाकर्मी का तो बिल्कुल मतलब उनके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि उनको फिजिकल एक्टिविटी कम होता है, तब जबकि उनको ज़्यादातर मतलब क्या ना मेंटल जो प्रेशर है, मेंटल जो एक्टिविटीज़ है, उसको ज़्यादा मतलब क्या ना उससे ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए उसको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पेशेंस अगर किसी के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, तो बिल्कुल मतलब क्या ना वो असफल हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है, जो सिक्योरिटी कर्मी मतलब सुरक्षाकर्मी काम करते हैं, उनको ये लगता है कि उनका जो देखभाल है वो ठीक से नहीं होता है। तो ये सारे जो मतलब कहना उनका जो अंदर मतलब एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि हमें कोई देखता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर, इसके कारण वो धीरे धीरे क्या है नेगेटिविटी में चला जाता है और मतलब कहना वो असफल हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है, जो सुरक्षाकर्मी मतलब अनविलिंगनेस है, मतलब कहना नहीं करेंगे काम, मतलब इन द सेंस वो इच्छा नहीं है उनको सुरक्षाकर्मी का काम करना, मीन्स सुरक्षाकर्मी का जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मतलब कहना वो लेना नहीं चाहता है। तो इसीलिए जो है मतलब बिल्कुल मतलब धीरे धीरे वो कहना क्लाइंट के नज़र से भी मतलब कहना उनका जो एटीट्यूड है नेगेटिविटी में चला जाता है, और मतलब धीरे धीरे वो भी मतलब क्या है एक मतलब खुद को जो है एक नकारात्मक सोच लेके चलता है और धीरे धीरे असफल हो जाता है। तो दोस्तों ये एक मतलब वाइटल पॉइंट है, जो कि
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब कहना वो लेना नहीं चाहता, जो वो असफल हो जाता है। नेक्स्ट जो है, किसके पास अगर बुद्धि नहीं है, मीन्स इन द सेंस लैक ऑफ सेंस, अगर बुद्धि की कमी है, या तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब कहना तत्क्षणात जो उपस्थित जो बुद्धि होता है, अगर वो किसी के पास नहीं है, किसी सुरक्षाकर्मी के पास नहीं है, तो फिर वो मतलब कहना असफल होता है। तो नेक्स्ट जो है, जो सुरक्षाकर्मी मतलब किसी चीज़ में एडिक्टेड है, मतलब कोई भी सुरक्षाकर्मी अगर किसी चीज़ में एडिक्टेड होगा, जैसे आजकल का ज़माना जो है फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल अगर किसी ने एडिक्टेड हो गया कि मोबाइल छोड़ के वो कुछ मतलब कहना और जानता नहीं है, तो इसके कारण भी हो सकता है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं होता है। धीरे धीरे मतलब क्या है ना, उसको नेग्लेक्ट करते हैं सभी, और मोबाइल छोड़ के भी मतलब क्या ना, अगर वो किसी ड्रिंक्स का एडिक्टेड होगा, या तो कोई ड्रग्स का एडिक्टेड होगा, या तो कोई ऐसा मेडिसिन जो है उसको मतलब क्या ना असर करता है, तो ऐसा भी मतलब क्या ना, किसी भी ड्रग्स में मतलब वो अगर एडिक्टेड है, तो फिर मतलब उन्हें उनके लिए जो काम है, फिर धीरे धीरे मतलब क्या ना, वो दूसरे के नज़र में वो गिरता है, और वो भी मतलब क्या है, धीरे धीरे असफल हो जाता है, मीन्स उसको काम से फिर निकाल दिया जाता है। तो दिन दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट्स है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेवा की मनोभाव, मीन्स अगर आप सर्विस देना चाहते हैं किसी को, इस मनोभाव अगर नहीं है आपका, आपके पास विशेष तौर पे मतलब सुरक्षाकर्मी, अगर सुरक्षाकर्मी के अंदर अगर सेवा की मनोभाव नहीं रहेगा, हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं रहेगा, या तो सर्विस मतलब जो देना है उसका जो हेल्पिंग नेचर अगर नहीं है, सेवा की मनोभाव नहीं है, तो फिर मतलब क्या है, सुरक्षाकर्मी असफल हो जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो है, अगर क्लाइंट जो है, जहाँ पे सुरक्षाकर्मी ड्यूटी करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वहाँ का जो मैनेजमेंट है अगर उनको पसंद नहीं करता है, तो फिर धीरे धीरे उनको भी मतलब क्या है, ये लगता है कि ये मेरे से काम नहीं होगा, और धीरे धीरे वो असफलता के और मतलब क्या ना चले जाते हैं। तो दोस्तों, जरूर मेरे ख्याल से इसके ऊपर आप ध्यान देना। कल मैंने बताया था कि क्यों सफल मतलब सफलता का क्या राज है, इसको मतलब ज़रूर देखना। ये नहीं कि आप भी मतलब क्या ना, जो सुरक्षाकर्मी असफल है वो भी मतलब क्या है ना नहीं सफल होंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। आप भी मतलब क्या है ना सफल हो सकता है, आप भी जरूर कोशिश कीजिए, और मतलब क्या ना धैर्य रखिए, ताकि मतलब क्या ना आप भी सफल हो पाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।